हिंदी के प्रख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि व आयकर विभाग के कमिश्नर संजय मिश्र के कविता संग्रह उम्मीद की तरह एक विचार का लोकार्पण समारोह आधार प्रकाशन की ओर से शहर के स्थानीय होटल रमाडा में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता राजेश जोशी ने की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कवि राजेश जोशी, वीरेंद्र बरनवाल, हरि नारायण, अनिल मिश्र, उमाशंकर चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर संजय मिश्र ने अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ किस्से भी लोगों के समक्ष पेश किए और अपनी पुस्तक की कुछ चुनिंदा कविताओं को उपस्थित लोगों के साथ साझा किया। इस अवसर पर संजय मिश्र के पारिवारिक सदस्य, उनके पिता कैलाशनाथ मिश्र, माता अपर्णा मिश्र, उनकी धर्मपत्नी मोना मिश्र, बेटी संजना मिश्र और तोहिना मिश्र भी मौजूद थी। इनके अलावा इस अवसर पर एडिशन कमिश्नर आयकर विभाग डॉक्टर गुलशन रॉय, एडिशनल कमिश्नर मनजीत सिंह, कमिश्नर रवि सारंगा, संदीप जैन, वाईके सिंह, योगेंद्र चौधरी, एमएस कलसी, अनिल चोपड़ा, परविंदर बहल, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सेठ, रमेश मित्तल, अश्विनी, अनिल चोपड़ा, सीए आरएस कालरा, एडवोकेट दिनेश शर्मा, सीए अश्विनी जिंदल, सीए राधेश्याम, सीए सुनील दत्त, सीए राजेश कक्कड़, सीए मनोज सोनी, सीए एसएस कालरा, सर्वेश शर्मा, डॉक्टर संजीव गोयल, डॉक्टर पवन गुप्ता, डॉक्टर अनुपाल गोयल, एडवोकेट दलजीत सिंह छाबड़ा, सीए अश्विनी गुप्ता, देवेंद्र चौधरी, सिमर सिदोश, तरसेम गुजराल, मोहन, अजय शर्मा, रमेश गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कम से कम एक बार किसी से अपने मन की बात करो और बहुत होश की बात है कि अब पागल मन की बात करो, तो थोड़े होश और थोड़े पागल मन के साथ में बात करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हम सब बड़े हर्षित और गौरवान्वित हुए थे जब अपने देश के कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला, बचपन बचाओ आंदोलन। लेकिन मैं राजेश जी का भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि इनकी कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इन्होंने सवाल इसे उसे सवाल की तरह उठाया जाना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो हर कवि का अपने समाज में जो घटनाएँ हो रही उसमें कहीं ना कहीं दखल और कहीं ना कहीं हाथ है। तो राजेश जी, आप भी बधाई के पात्र हैं इतनी बड़ी आवाज़ उठाने के लिए। बच्चों की बात चली, विनोद जी ने बच्चों की बात की, तो शायद पहली कविता बच्चों से संबंधित है। शिक्षक है मेरे बच्चे कहाँ, कभी इस पृथ्वी पर हुआ करते थे बच्चे, कभी इस पृथ्वी पर हुआ करते थे बच्चे, गोरे बच्चे, काले बच्चे, मोटे बच्चे, पतले बच्चे, सबकी सूरतें अलग, मगर एक अनंत जिज्ञासा सबकी आंखों में, एक साफ सफेद झरने के पानी से निर्दोष और निष्कलुष, और नटखट दो बंदरों से भी ज्यादा अपनेपन की गंध को दूर से पहचान लेने वाले। कि एक लंबा अंतराल है जब से आपने कविताओं की शुरुआत की और आज आपके सामने एक कविता संग्रह के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस अंतराल में ये लगातार बुनते रहे, कुछ कहते रहे, लेकिन कागज पर वो आपके सामने अभी आया और इसे सामने लाने में देश जी ने जो अपना योगदान दिया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये पंजाब की धरती जालंधर, ये वीरों की धरती तो रही ही है, साथ ही रचनाशीलता की कितनी रही है इस बात की तरफ प्रकाश अभी थोड़ी देर पहले डाला गया। ये उद्यमिता की है, किसान की धरती है, ये लड़ने वालों की धरती है और कविता जिन भावों से उपस्थित है उसकी धरती है। और यहाँ आकर के अगर कोई कविता संग्रह आता है, परिचय हासिल करें और एक मुकम्मल रचना संसार तक पहुँचने की चेष्टा करें, तो जैसा कि युक्त शंकु कहते हैं कि एक पाठक को, जो एक सजग पाठक है उसको कवि के कविता संग्रहों तक पीछा करना चाहिए, तो इस नाते हम आपकी अन्य कविताएं भी जरूर ध्यान से पढ़ना चाहेंगे। अब मेरे सामने एक प्रश्न है, वो आपकी रचना प्रक्रिया को लेकर है। और आप जो शब्द चुनते हैं और बड़े थोड़े शब्द चुनते हैं, जैसा कि अभी शुरू ने कहा, तो उनका अपना स्पोर्ट होता है,
रचना प्रक्रिया और ये जो पूरा कविता संग्रह है ये कुछ ही दिनों में तो लिखा नहीं गया, एक धीर रचना यात्रा इसके पीछे रही होगी। और उस रचना यात्रा को पूरा करते करते अपने समय को प्रतीक देते हुए, अपने समय को व्यक्ति देते हुए, आपको मुख्यतः किन संकटों से दोचार होना पड़ा या ऐसी कौन सी चुनौतियां आपके सामने जिन्होंने आपकी कविता को एक बार ही रोक लिया और आपको पुनः अनेक चीजों पर विचार करने के लिए विवश किया और फिर से आपने कदम उठाई? कहना चाहिए कि जलंधर में एक बड़े प्रशासक के रूप में विद्यमान है और लगभग यहाँ शहर के काफी बड़े छोटे काम धाम करने वाले व्यक्ति हैं, तो आने वाले समय में क्योंकि आज एक कवि के रूप में आपका परिचय हो रहा है, तो एक बात जो मैं जानना चाहूँगा कि जब भी कभी कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा या लेना पड़ता ही है, तो क्या आपका कवि कहीं आड़े आएगा या अब तक आता रहा है, क्योंकि एक लंबी सर्विस आपने की है, तो इस संबंध में थोड़ा मुझे जानना चाहूँगा कि कविता में कम शब्दों में बात कही जा सकती है, प्रोज में भी बहुत कम शब्दों में बात कही जा सकती है। हेमिंग्वे आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, तो ये इस शहर का दुर्भाग्य है कि इस शहर ने जिसने इस दर्शन फाकिर को दिया, जिसने जगजीत को दिया, जिसने उपेंद्रनाथ दश को दिया, जिसने मोहम्मद राकेश को दिया, जिसने इंद्रनाथ मदान को दिया, बरसों से आके बैठे रहे, एक उम्मीद की तरह से, एक विचार की तरह से, और विचार और उम्मीद जब मिलेंगे तो उसमें देश विमोही एक कविता संग्रह लेकर आपके पास आएंगे। देश का पल प्रतिपल जो है वो एक इस तरीके से एक एटर्नल, एक अनंत संज्ञा बने कि ये विचार और ये उम्मीद आपके साथ साथ चले। ये उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं संजय को बहुत, हृदय विश्व को बहुत बधाई देता हूँ। उनका पहला संग्रह इतने दिन पहले पहला ही संग्रह आया है और उसको लाने में उन्होंने काफ़ी वक्त हुआ बीच में। हालांकि जब सवाल हो रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आप इनकम टैक्स के ऑफिसर दूसरे कुछ छुपाते हैं तो उस पर तो छापा मार देते हैं, और आप इतने दिन तक छुपाए रहे तो अजीब सा कंट्रडिक्शन है ये कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर इतनी पूंजी छिपाए रहे। कभी पाठक या साहित्य से रुचि रखने वाले लोग नहीं हैं, पहली बार इस ढंग से और पूरे फंक्शन में बैठे हैं, इस आप सब का आभारी हूँ। यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, यहाँ पर बहुत पत्रकार, जलंधर के सारे पत्रकार यहाँ लगभग उपलब्ध हैं, और सुरेश सेठ जी मैं समझता हूँ कि भारत के हिंदी के बड़े कथाकार हमारे बीच में हैं। मोहन सप्रा बहुत बड़े पोइट, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, सिमर सुदोष जी, अजय शर्मा जी, तरसेम गुजराल जी, प्राग वैद जी जगदीश चंद्र जी के सुपुत्र हैं, और जगदीश चंद्र जिन्होंने हिंदी में बड़ा नाम कमाया, योगेंद्र कुमार सिंह, संदीप जैन, और दूरदर्शन के सभी मित्र लोग, दैनिक सहारा से शीतल विज जी यहाँ हैं, उनका बहुत आभारी हूँ।